नमस्कार, मैं रवि आपके साथ। और इस टाइम पर जो है बहुत बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं, जिसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पेशाब कांड जो लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां प्रवीण शुक्ला के द्वारा एक जो है युवक पर इस तरीके से उसके चेहरे पर पेशाब करते नजर आ रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक ये हरकत हुई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि इस पूरे मामले पर कई ऐसे तथ्य सामने अब आ रहे हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि जो FIR भी हुई थी कि मेरा जो भतीजा है प्रवीण शुक्ला, वो घर से गायब है। यहां तक कि 26 तारीख को बताया जा रहा है कि 26 जून को ये शिकायत की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला जो है 1 तारीख को फिर से शिकायत की गई थी कि ये जो है वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। और लगातार धमकी देते हुए अगर बात की जाए तो कई मतलब ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि और भी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक शपथ पत्र जो है, जो कि आपको बताना चाहूँगा कि स्टाम्प 100 रुपये का स्टाम्प पर उन्होंने ये लिखवाया था कि उसके ऊपर कोई जो है इस तरीके का कृत्य नहीं हुआ, जो कि प्रवीण शुक्ला के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं गया। इस पूरे मामले पर जो है जब तरंग 24 न्यूज़ ने जब फोकस किया और सबसे बड़ी बात ढूंढना शुरू किया कि आखिर में ये सच क्या है। कई बार मैंने प्रयास किया कि उस व्यक्ति से जो कि पीड़ित है, जो आदिवासी है, उससे बात किया जाए, लेकिन आदिवासी जो है अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जो है मीडिया के सामने आदिवासी काफी मशक्कत करने के बाद वो कुछ मुंह से बोला। उसका कहना यह है कि मेरे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हो गया, अब मुझे जो है प्रवीण शुक्ला को बाहर निकाल है। यहां तक कि वो व्यक्ति जो है हमारे गांव का वो पंडित है, ब्राह्मण है, उसे निकाल लिया जाए। मेरे साथ जो कृत्य हुआ उसके लिए मैं काफी जो है ये कुछ कह नहीं सकता कि शर्मनाक है कि क्या है। जो भी हुआ सो हो गया। इस पूरे मामले पर उसने क्या कहा मैं आपको खुद सुनवाऊंगा। देखिए ये बयान। इतना हमको बराबर नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि वहां आए तुरंत स्टाम्प पे दस्तखत ले लिए अपन कलेक्टर से माध्यम विद्या माध्यम कहीं तू और बस मारे बाबू कहीं चलो हक चल देते हैं फिर सब अपने वाले मैंने निकल गया। हाँ इससे तो फिर तो तब थाना पे पहुँचा तब ने पूरा सब चलने लगा कि क्या कैसा है। जी जो कार्यवाही हुई है प्रवीण शुक्ला के खिलाफ तो अब क्या चाहते हैं? अब इससे आगे हम नहीं चाहते हैं। हम हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। किसको? प्रवीण शुक्ला को छोड़? जी हाँ, अब प्रवीण शुक्ला को अब छोड़ दी जाए। अब जो हो गया तो हो गया, अपने आप अपनी गलती महसूस कर लिए। उसके बाद भी ऐसे हाँ हो गया। अब हम मान लेते हैं हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसको छोड़ दे। अभी आप आर्थिक सहायता राशि वगैरह आपको मिली है? सब मिली है, मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिए हैं। जी हमारा अब मांग है सरकार से कि उनको अब छोड़ दे जाए, अब इसको बरी कर दे। और कोई मांग है आपकी? अब कोई मांग नहीं, हमारी एक रोड की मांग है बस, करंदी से कुबरी तक की, बस हमारी मांग कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीजें तो ये भी देखी जा रही हैं कि पीड़ित के साथ जब से ये जो है वीडियो वायरल हुआ काफी सांत्वना दी गई और पीड़ित जो है काफी जो है परेशान हुआ। इसके साथ साथ उसकी पत्नी भी परेशान हुई कि आखिर में मेरे पति के साथ क्या हुआ और कहाँ है। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी रखा गया उसके घर पर कि आखिर में इसका पति कहाँ है, उसे पति को उसके वापस लाओ। लेकिन ये देखा गया कि इस पति जो है शिवराज सिंह चौहान, यानी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास वो नजर आया, जहां पर उन्होंने कृष्ण कन्हैया की तरह जैसे सुदामा ने पैर और चरण धुला था, वह उसी प्रकार से देखा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसके चरण धुले, उसके बाद चरणामृत लिए और इसके बाद उन्होंने फोटो वीडियो भी वायरल करवाया, जहां उन्होंने एक पौधे को भी लगवाया और खाने पर भी चर्चा किया कि आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था और आज कैसा महसूस कर रहे हो। हालांकि इस पूरे मामले पर उन्होंने अपने सामने मीडिया को बुलाकर बात की, लेकिन उस वक्त भी जो है ये पीड़ित ने कोई ऐसे सवाल का जवाब नहीं दिया जो कि सामने उस जो है प्रवीण शुक्ला को लेकर के कोई टिप्पणी की जा सके। उसने यही कहा कि जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे कुछ नहीं कहना इस मामले पर। फिर से मैं अगर बात की जाए कि उस इस पूरे मामले पर तो सबसे बड़ी चीजें ये कि एक व्यक्ति का तो फायदा हो रहा, लेकिन आज जो है उस कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है प्रवीण शुक्ला का, वो रोड पे जरूर आ चुका है, जो कि इस तस्वीरों पे साफ तौर से आप देख सकते हैं कि वो जो व्यक्ति था प्रवीण शुक्ला, उसका जो परिवार है आज रोड पर खाना बनाने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास जो है आवास ही नहीं है।
इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर के द्वारा आज देखा गया कि उनके द्वारा पैसा भी दिया गया, जो कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 5 लाख रुपए की बात हुई थी, और भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने उसे सम्मान सहित भोपाल से विदा करके घर तक पहुंचाने की जो बात की थी उन्होंने पहुंचाया और उसके परिवार से भी बात किया। पूरे मामले पर जो है शिवराज चौहान ने काफी सख्ती के साथ ये बड़ी से बड़ी कार्यवाही करवाने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात ये देखा भी गया कि कार्यवाही हुई जहां की एनएसए के तहत भी कार्यवाही हुई और सामने वाला का मकान पर बुलडोजर भी चलवाया। हालांकि इस बुलडोजर के मामले में कई सारे ऐसे जवाब जो है बयान देखे जा रहे हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो ये घर गिरवाया गया ये बेहद गलत और हरकत थी शिवराज सिंह चौहान की, जिसको लेकर के काफी आम जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के विपक्ष में भी लोग जा रहे हैं। हालांकि अब देखा जाए तो पूरे नुकसान और सारी चीजें खत्म होने के बाद अब जो है ये पीड़ित जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि मुझे अब सरकार से मैं यही गुहार लगाऊंगा कि जो है प्रवेश शुक्ला जो है जिसने मेरे साथ ऐसा किया वो वापस आ जाए और मैं उसे जेल से निकालने की गुजारिश करता हूं। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज से और भी खास खबरों के साथ, फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। दसमत जी ने ये बताया था कि ये पल्लेदारी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और कुछ व्यवसाय करने की इच्छा इन्होंने जताई थी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तो उसमें आर्थिक सहायता दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 5 लाख रुपए की, इससे कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और व्यवसाय किस प्रकार की ये करेंगे इसमें हम और भी देखेंगे। राज्य शासन की और केंद्र शासन की बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं जिसमें व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सहूलियतें दी जाती हैं, तो इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता होगी तो हम इसको इनको लेंगे किसी योजना में। अभी फिलहाल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इसके लिए जो इनको या तो वासस्थान दखलकार में या अलग से मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना में जिसमें भी इनकी पात्रता बनेगी उसमें आवास बनाने के लिए प्लॉट हम देंगे, और यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं उनको बताए हैं कि ये तत्काल वो कर लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जितनी रकम निर्धारित की गई है उतना रकम 1.5 लाख रुपए का इनको आवास बनाने के लिए भी आज प्रदाय किया गया है, इससे इनका आवास बन जाएगा, ये खाते में राशि आएगी उनसे ये आवास बना लेंगे। दसमत पोल जी के 3 बच्चे हैं जी, इनकी अच्छी सी शिक्षा।